जब भी कोई शो कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है लेकिन उस शो से उस शो के इम्पॉर्टेंट किरदार हट जाते हैं, वो एक्टर्स चले जाते हैं, तो शो की एक बड़ी ऑडियंस जो है वो भी उन एक्टर्स के साथ चली जाती है। और ऐसे में मैं बात कर रही हूँ कपिल शर्मा शो की। सबसे पहले कपिल शर्मा शो क्योंकि एक ऐसा शो है, टॉक शो है, चैट शो है, कॉमेडी शो है, जहाँ पर यू नो सब रियल होता है अदर देन द एक्ट्स, कॉमेडी एक्ट्स। और ऐसे में उस शो पर जो भी लोग आते हैं और जब वो शो छोड़कर चले जाते हैं तो फैंस के दिमाग में सबसे पहला सवाल और क्वेश्चन यही आता है हिंड्रेंस का, कि आखिर क्यों शो को छोड़ दिया और क्या रीज़न था। चलिए आपको बताते हैं कि ऐसे ही कॉमेडी नाइट्स विद कपिल तक नजर आने वाली उपासना सिंह, जी हाँ, बुआ जी के किरदार की बहुत ही जनता जो है यू नो दीवानी थी, लेकिन आखिर क्यों उपासना सिंह ने शो को अलविदा कह दिया। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि उपासना किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, उन्होंने इंडस्ट्री में कई फिल्मों में काम किया है और काफ़ी वक्त से वो काम कर रही हैं इंडस्ट्री में, लेकिन कपिल शर्मा शो पर बुआ के किरदार ने उन्हें इंडस्ट्री में बेहद अच्छी पहचान दिलाई। जनता को उनकी फ्लर्टिंग एक्टर्स के साथ उनकी मस्ती मजाक बहुत अच्छी लगती थी, और ये कॉन्सेप्ट बुआ की शादी नहीं हो रही ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। ऐसे में रिसेंटली एक इंटरव्यू सेशन हुआ जहां पर उपासना सिंह नजर आई और उनसे जब पूछा गया कि आखिर क्या रीजन है कि क्यों आपने कपिल शर्मा के साथ शो करना बंद कर दिया, उस पर उपासना का खुलासा है। जी हाँ, बता दें कि उपासना सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि कपिल और उनके बीच रिश्ते आज भी अच्छे हैं, उनके बीच कोई तकरार नहीं हुई थी। उपासना ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि उन्होंने इस वजह से शो छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने अपना नया शो दूसरे चैनल पर शुरू किया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की वजह से उन्हें कपिल के साथ काम करना पड़ रहा था, इस वजह से दूसरे चैनल में नहीं जा पा रही थी। उन्होंने कहा कि हमारे बीच कोई अनबन नहीं थी, सब कुछ ठीक था, कपिल शर्मा के शो में काम करके बहुत मज़ा आया, लेकिन वो अपने रोल से खुश नहीं थी क्योंकि उन्हें काम करते करते इस बात का एहसास हुआ कि शो में उन्हें कुछ ही मिनट के लिए जगह दी जाती है, वो एक क्रिएटिव आर्ट से सेटिस्फाइड नहीं थी, और यही रीज़न था कि इस रीज़न से उन्होंने जो डायरेक्टर्स हैं शो के, जो मेकर्स हैं, राइटर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि उनका जो हिस्सा है, उनका जो पार्ट है शो पर, उसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए। हालांकि मेकर्स ने इस बात पर गौर नहीं फरमाया और फिर उपासना ने किसी दूसरे शो का रास्ता जो है वो अपना लिया। हालांकि कहते हैं दैट All is well if it ends well. सब अपने अपने जगहों पर कोई ना कोई काम कर ही रहे हैं और सब अपनी अपनी जगहों पर यू नो किसी ना किसी तरह से अपना अपनी जगह इंडस्ट्री में बनाए हुए हैं। ऐसे में उपासना भी लगातार टेलीविजन सीरियल्स कर रही हैं, हालांकि कपिल के शो पर वो नजर नहीं आती हैं। वेल, क्या कहेंगे आप उपासना के इस खुलासे पर कि क्या आपको लगता है कि उनको स्क्रीन टाइम ज़्यादा दिया जाया गया होता अगर, तो वो कपिल के साथ आज भी होती? बताइएगा ज़रूर।